बरेली में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत द शौर्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चौकी चौराहा पर वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक शिवराज समेत आरटीओ दिनेश कुमार ने नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर पंपलेट का वितरण किया। द शौर्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान शौर्य वेलफेयर सोसाइटी की डॉक्टर बिंदिया सक्सेना ने लोगों को जागरूक करते हुए वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट लगाने के साथ विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी। एसपी ट्रैफिक शिवराज सिंह ने कहा कि शौर्य वेलफेयर सोसाइटी की ओर से यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीच उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, साथ ही कार में सफर कर रहे हों तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। वहीं आरटीओ दिनेश कुमार ने कहा कि हमें सड़क पर चलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। शौर्य वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोग यातायात नियमों का पालन कर सकें। जिन गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे हैं उन पर सोसाइटी द्वारा रिफ्लेक्टर टेप लगवाए जा रहे हैं। सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज जो हमने अभियान शुरू किया है सड़क सुरक्षा के लिए, शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए, सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करूंगी सर का, आरटीओ सर का, एसपी ट्रैफिक सर का और बाकी पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस का और मेरी पूरी टीम का जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। हमारी एक पहल है शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की, सुरक्षा बढ़ाने की, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा जीवन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार, आरटीओ एनफोर्समेंट बरेली। ये शौर्य वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक कर रहे हैं, हेलमेट लगाने के लिए लोगों को समझा रहे हैं और रिफ्लेक्टर टेप भी लगा रहे हैं। तो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इस माह के अंतर्गत ये शौर्य वेलफेयर सोसाइटी, इनकी टीम डॉक्टर विद्या सक्सेना, प्रताश बहादुर जी और इनके सारे मेंबर्स, सभी लोग लोगों को रोक रोक कर समझा रहे हैं कि भाई रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है, रोड एक्सीडेंट के कारण क्या, इस तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ पर केवल एजुकेशन का काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कोई एनफोर्समेंट की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं इस कार्य के लिए इनके एनजीओ जो शौर्य वेलफेयर सोसाइटी है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस तरह कार्यक्रम और ज्यादा आयोजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एनफोर्समेंट तो बहुत हो रहा है, एजुकेशन की ही कमी है। एजुकेशन अगर हम लोगों को जागरूक कर देंगे तो सब इसका प्रभाव जरूर आएगा, एक्सीडेंट में कमी आएगी। महानगर बरेली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात जागरूकता के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत आज शौर्य वेलफेयर सोसाइटी की डॉक्टर विद्या सक्सेना और सरताज बहादुर जी हैं, इनके लोग जो हैं, इनके साथ ही वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं, इनके द्वारा चौकी चौराहा महानगर बरेली में लोगों को यातायात जागरूकता के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है और खास करके लोग जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि हेलमेट लगाना क्यों जरूरी है, उनसे इंसिस्ट किया जा रहा है, उनसे प्रॉमिस लिया जा रहा है कि आप हेलमेट लगा के चलेंगे। इसके अलावा ये रिफ्लेक्टर टेप भी लगा रहे हैं यहाँ पर और ये सारा जो कार्यक्रम है इनके द्वारा जो है लोगों को निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगाने का और कुछ हेलमेट भी डोनेट किए गए हैं। तो इस तरह से ये जो है लोगों के बीच जागरूकता का कार्यक्रम है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का, और यातायात में जब हम लोग सड़क से सुरक्षित रहेंगे सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा, तभी हम लोग एक खुशहाल देश को बना सकेंगे। इसी उद्देश्य के साथ कि सड़क में सभी लोग सुरक्षित रहे, ये मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ शौर्य वेलफेयर सोसाइटी को, प्रताप बहादुर जी को, कि उन्होंने एक अच्छा जो कार्यक्रम आगे।